नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण। कैसे आप सब? एक गुड न्यूज़ देने के लिए आया हूं। आप सबको बता दूं कि अभी पबजी गेम जो है इतना पॉपुलर गेम था पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में सबसे ज्यादा उसके प्लेयर्स थे। तो पबजी गेम की तरफ से एक न्यूज़ आई है कि पबजी गेम जो बैन हो गया था वो दोबारा से लॉन्च हो रहा है इंडिया में। मतलब आपको ये लग रहा होगा कि ये कैसे ऐसे ही कोई फेक न्यूज होगा, बट फेक न्यूज नहीं है। ये ऑफिशियली जो पबजी के जो वहाँ की जो ऑफिशियल टीम है उन्होंने अनाउंस किया है, और ये बहुत लेटेस्ट न्यूज है कि ये बहुत ही जल्द मतलब 1 से 2 महीने के अंदर इंडिया में फिर से लॉन्च होने वाला है। तो जो पबजी गेम खेलते थे या जो जिनकी गेमिंग चैनल्स थी जो पबजी गेम खेल के ही उसको वीडियो अपलोड करके और उससे अर्निंग कर रहे थे, तो उन सब के लिए भी बहुत यूजफुल ये न्यूज है कि पबजी गेम बहुत जल्द दोबारा से रीलॉन्च होने वाला है इंडिया में। और इसका एक रीजन ये है कि इसकी जो पॉपुलैरिटी थी बहुत ज्यादा थी, और कई सारे यूट्यूबर्स हो गए या फिर जनरली लोग भी इस पे जो अच्छे से गेम खेलते थे, और काफी अच्छा ये गेम था, अभी तक का सबसे पॉपुलर गेम था, तो लोगों में काफी पॉपुलर हो गया था। तो लेकिन गवर्नमेंट ने अभी इसको बैन कर दिया था बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि अभी इंडिया और चाइना के साथ रिलेशन भी उतना अच्छा नहीं है, और साथ ही जो चाइना था वो हमारे जो इंडियन प्लेयर्स थे जो भी खेलते थे हम आप जो भी, तो हमारा डेटा उनके पास चला जाता था। तो ये सिक्योरिटी रीजन को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन किया था, लेकिन अब दोबारा से इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि दोबारा से लॉन्च किया जाएगा, फिर से वही चीजें हो जाएगी, फिर से हमारा डाटा वहां चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इस बार जो लॉन्च किया जाएगा वो उसका सर्वर जो होगा वो गेम का, वो सर्वर इंडिया में ही होगा, यानी कि जो हमारा डाटा है वो कहीं नहीं जाएगा, इंडियंस का डाटा इंडिया में ही रहेगा। मतलब आप जो खेलेंगे तो आपका सारा डाटा इंडिया में ही रहेगा, क्योंकि गेम का सर्वर भी इंडिया में रहेगा। अभी तक इसका सर्वर चाइना में था लेकिन अब सर्वर इंडिया में रहेगा। तो इस तरीके से इसको दोबारा से लॉन्च किया जा रहा है, और लॉन्च भी कौन कर रहा है, तो इसकी बात चल रही है एयरटेल से, यानी कि आप सभी प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल नहीं होगा। अभी एयरटेल के साथ बात चल रही है, धीरे धीरे और भी इसमें आएंगे, लेकिन अभी एयरटेल के जो सब्सक्राइबर हैं जो एयरटेल यूज करते हैं उनके लिए अवेलेबल होगा, क्योंकि एयरटेल टीम ने ही बात की है पबजी की टीम से। तो एयरटेल के लिए यूजर के लिए एक गुड न्यूज ये हो सकता है कि जो भी एयरटेल का यूज करते हैं उसका नेटवर्क ले रहे हैं तो वो यहाँ पे पबजी गेम को डाउनलोड कर सकते हैं, खेल सकते हैं दोबारा से, और इसका क्या आगे होगा वो सब कुछ अपडेट तो आपको मिल जाएगा। तो अभी ये वीडियो बनाने का यही था, ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे मैं आज वीडियो बना दिया, लेकिन ये भी न्यूज़ है आपके लिए, जो भी पबजी गेम लवर्स हैं उनके लिए। मैं नहीं खेलता हूँ पबजी, लेकिन बहुत सारे लोग पबजी खेलते हैं, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि पबजी गेम बहुत जल्द दोबारा लॉन्च होगा इंडिया में, और एयरटेल के साथ बात चल रही है, पेटीएम के साथ भी बात चल रही है। तो ये जो दो मेजर कंपनीज है उन दोनों ने इसके लिए आगे बढ़ाया, और अभी अनाउंस भी किया है कि अभी दिवाली के बाद ये शायद लॉन्च हो जाएगा इंडिया में दोबारा से। तो फिर से जो भी पबजी गेम खेलते थे फिर से दोबारा एंजॉय कर सकते हैं, और जो यूट्यूब चैनल्स पे जो गेमिंग चैनल्स थे उनका तो चैनल ही बंद हो गया था, तो अब वो दोबारा से इस पे लाइव स्ट्रीम कर पाएंगे पबजी का, और दोबारा से वो वीडियो अपलोड कर सकते हैं, तो यूट्यूबर्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। यही न्यूज़ आपको देना था, बस इसी वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट कल मैं किसी अदर यूजफुल टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे हो, यूजफुल लगा हो, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।